फ्रेंड्स, आपने आम की खटाई तो ज़रूर बनाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी क्रिस्पी हिंगई ट्राई की है? हिंगई भी ट्राई की होगी, बट क्रिस्पी हिंगई ट्राई की है? एक तरीके से इसको आम की खटाई हिंग वाली कह सकते हैं। तो ये कैसे बनती है? इसको क्या करना है ना, आम को अच्छे से धुल के छिल के इसके सारे गुज्जे को निकाल लेंगे आम के, और इसको पूरे दिन के लिए ना धूप में सूखने के लिए रख देंगे। शाम तक ये अच्छे क्रिस्पी हो जाएंगे। तो जब तक ये धूप में होंगे, थोड़े मसाले भी तैयार कर लेते हैं। तो थोड़ा जीरा लेना है, भूनना नहीं है जीरे को, कच्चा जीरा ही लेके सिल पे पीस लेना है, या आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं। और इसका फाइन पाउडर बना लेंगे। फ्रेंड्स, ये ना टमाटर इतना महंगा हो जाता है बरसात में, तो उसका ये ऑप्शन ना बहुत ही अच्छा रहता है। फिर पूरे दिन सूख जाने के बाद जान ही निकल गई आम की, तो ऐसे ये मिलेंगे कुछ। तो इसमें थोड़े मसाले ऐड करते हैं, वही जो मैंने जीरा पीसा है वो ऐड कर लेंगे, और चिली फ्लेक्स ऐड कर लेंगे, कुटी हुई मिर्च मतलब, और हींग मिलाएंगे। हींग से इसका टेस्ट बहुत इन्हांस होता है और बहुत ही हेल्दी भी हो जाता है। और वाइट सॉल्ट मिला के अच्छे से मिक्स करके फिर से एक दिन के लिए धूप में रख देंगे इसको। अब ये नेक्स्ट डे मैंने फिर से धूप में रख दिया है, तो अब ये बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगा। इसको ढक भी देना है इसी तरीके के किसी पेपर बैग से, ताकि डस्ट वगैरह नहीं पड़े। तो अब ये क्रिस्पी हींग ये खटाई, आम की हींग वाली खटाई हमारी बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। तो इसको ये सब्जियों में डाल सकते हैं, इसकी चटनी बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसको ऐसे सब्जी में यूज़ कर लिया, इसको दाल में भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्रिस्पी हींग आम पसंद आया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक